ये आज हम घी बनाएंगे। ये हमने मलाई निकाल ली है, दूध से मलाई हमने ये निकाल ली है। और ये हमने दही लिया है, इसमें हम दही लिया है 3 चम्मच, इसमें दही डाल देंगे और मलाई में अच्छे से इसको मिला लेंगे। अभी इसमें और मलाई रखेंगे, फिर हम इसका घी बनाएंगे। ना हमें घी बनाने के लिए हमें ना गर्म पानी करने की ज़रूरत है, ना ठंडे पानी करने की ज़रूरत है। देखिएगा बहुत ही आसानी से हमारा मलाई से ये घी निकल जाएगा। अभी इसमें और थोड़ी मलाई डालेंगे इकट्ठी करें। हमने इसमें 3 चम्मच दही डाल दिया है। चलिए अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। चलिए अब घी बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें हमने 3-4 चम्मच इसमें दही डाल दिया था, जामुन, उसके बाद हमने ये मलाई उस पर डाल दी थी। और ये अच्छा से अब देखिए हिला लिया, इसमें इसको डाल देंगे। ये हमने पतीले में मलाई को डाल दिया है, ये देखिए। और हम मलाई हमारी इकट्ठी हो गई थी, ये हमने पतीले में डाल दिया है। और बनाने के लिए ना हमें गर्म पानी चाहिए, ना हमें ठंडा पानी चाहिए, हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे घी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। जल्दी घी निकल जाएगा, 5 मिनट में घी निकलेगा। ऐसे कर लेंगे, ये देखिए हम इसको ग्रेट कर लेंगे कढ़ाई से। देखिए हमने घी बनाया, ये मक्खन बनाया। बस देखिए बनके तैयार है। इसको हम अच्छे से इसमें निकाल लेंगे। देखिए देखिए इसका सभी चीज का एक एक वो व्यंजन बन जाएगा। देखिए ये घी तो बनेगा ही। इसको देखिए हमने ये निकाल लिया ही, चढ़ा दी है। अब ये हमने बनाया था, हमने कढ़ाई में ये घी बनने के लिए डाल दिया है। ये हमारा घी तैयार होने वाला है, खुशबू इसमें से आ रही है। देखिए कितना अच्छा बन जाएगा। अब इसको और थोड़ा बनना है, क्योंकि ये जो है ना इसमें से भी घी निकलता है, ये जो है ना इसमें ये सब इससे भी घी निकलता है। ये देखिए हमारा घी देखिए पूरा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम चलिए इसको हम छान लेते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया देखिए। ये हमारा घी बन के देखिए बिल्कुल तैयार है। ये ठंडा हो जाए फिर इसको जार में डाल लेंगे। देखिए घी बनाने में जो ये हमारा छाछ निकला था उसका देखिए पनीर बन चुका है। ये आप चाहें तो इसका सब्जी बना सकते हैं, पनीर निकाल के इसको छान के सब्जी बने, लेकिन हम इसका मीठा बनाएंगे। इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे और ये बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। आप कभी आप अवश्य बनाएं इसको। देखिए हमने इसमें ये गुड़ डाल दिया है और ये थोड़ा इसको ये देखिए छाछ की हमारी ये बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह बना है, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसको ये देखिए हमारा घी बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा बना है। और ये हमारे छाछ जो बचा था उसका हमने इसमें गुड़ डाल दिया है और ये भी बहुत स्वाद लगता है। आप इसे गर्म भी खा सकते हैं और फ्रिज में इसे रख कर ठंडा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। घी हमारा देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितना अच्छा बना है। आप इसके परौंठे बनाइए, घी में रोटी में चिपड़ कर खाइए, या इसका हलवा बनाइए। आशा है आप सभी को ये पसंद आएगा। और दूध तो सभी के घर आता है रोज,
आप थोड़ा मलाई इकट्ठा कर लें और इसका ये घी बना सकते हैं। बहुत आसान है। और हाँ, आप मलाई को एक डेढ़ घंटा फ्रिज से निकाल के रखें, फिर तब बनाएं, नहीं तो और टाइम लगेगा। एक डेढ़ घंटा निकाल के रख लेंगे ना फ्रिज से मलाई को, फिर बहुत जल्दी बनता है, जैसे हमने बनाया। देखिए, आशा है आप अवश्य घी बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।